वेलकम टू एचक्यूट ऑल इंडियंस। एचक्यूट ऑल इंडियंस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, अभी अभी यूपी ट्रिपल एससी ने अपनी वेबसाइट पर ये अपना कैलेंडर जारी कर दिया है कि उसे 2019 में कौन सा एग्जाम कब होगा, ये पूरा अपना कैलेंडर जारी करके बता दिया है। तो चलिए देख लेते हैं कि वीडियो का रिजल्ट कब आएगा, जो बहुत ज़्यादा बच्चे वेट कर रहे थे, और जितने भी एग्ज़ाम पेंडिंग है उन सब के बारे में हम आपको बता देते हैं कि कौन से एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा और कब उसका एग्ज़ाम होगा, या जो भी उसमें पेंडिंग है वो चीज़ें हम सारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए, ये रिवाइज्ड कैलेंडर आया है यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर। तो सबसे पहले अबकारी सिपाही वाला जो 2016 वाला एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, इसके लिए जो शारीरिक परीक्षा होनी है, शारीरिक परीक्षा और शारीरिक मापदंड के लिए अभ्यर्थियों की जो सूची है वो माह अगस्त के द्वितीय पक्ष में, सेकेंड वीक में आ जाएगी। ठीक है, सेकेंड वीक में लगभग 15 तारीख तक ये नोटिस आ सकती है, इसका रिजल्ट आ सकता है आबकारी विभाग वाला। चलिए आगे जान लेते हैं, सम्मिलित तकनीकी सहायक परीक्षा जो होनी है 2016 वाली, इसके लिए माह अगस्त 2019 के द्वितीय पक्ष में अंतिम चयन परिणाम आ सकता है। ठीक है, इसका जो रिजल्ट है वो अगस्त के दूसरे सप्ताह में इसका रिजल्ट आ सकता है, सम्मिलित तकनीकी सहायक परीक्षा का। और गन्ना पर्यवेक्षक का एग्जाम कब तक हो सकता है, ये देखिए आपके सामने है, 31 अगस्त को लिखित परीक्षा संभावित है इसकी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सम्मिलित तकनीकी सेवा, ये 2016 वाला, इसका माह अगस्त में पाठ्यक्रम तथा परीक्षा योजना प्रकाशित किया जाना संभावित है। ठीक है, और बात करेंगे आगे कंप्यूटर ऑपरेटर वाला जो एग्जाम होना है 2016 वाला, उसके बारे में, ये अगस्त माह में पाठ्यक्रम तथा परीक्षा योजना संभावित है कंप्यूटर ऑपरेटर का 2016 वाला। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कनिष्ठ सहायक, ये 2016 वाला कनिष्ठ सहायक, इसका एग्जाम, इसके लिए क्या होना है, माह सितंबर 2019 के द्वितीय पक्ष में टंकण परीक्षा संभावित है। तो इसकी जो टंकण परीक्षा टाइपिंग टेस्ट वो माह सितंबर में हो सकता है 2017 वाले का कनिष्ठ सहायक का। ठीक है, व्यायाम प्रशिक्षक का जो एग्जाम हुआ था उसके लिए माह अक्टूबर 2000 में न्यूनतम शारीरिक परीक्षा के मापदंड एवं शारीरिक पात्रता परीक्षा संभावित है। ठीक है, अक्टूबर माह में ग्राम पंचायत अधिकारी वीडियो वाला जो एग्जाम हुआ था उसका जो रिजल्ट है वो अगस्त के तीसरे माह में आ सकता, तीसरे सप्ताह में आ सकता है। ठीक है, आगे बात करें राज्य कृषि उत्पादन मंडी, इस जो 2018 वाला है, इसका माह अगस्त के प्रथम पक्ष में, फर्स्ट वीक में, उत्तर कुंजी का प्रकाशन संभावित है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आगे राज्य कृषि उत्पादन मंडी जो 2018 वाला है, उसका माह सितंबर 2019 में पाठ्यक्रम तथा परीक्षा योजना बन सकती है, ये सितंबर माह में इसका एग्जाम हो सकता है। जो कनिष्ठ सहायक अभी 2019 वाला जो एग्जाम आया है जूनियर असिस्टेंट का, उसका जो माह अगस्त 2019 में पाठ्यक्रम तथा परीक्षा योजना, अगस्त में ये इसका एग्जाम होने की संभावना हो सकती है। वन रक्षक जो अभी चल रहा है, इसका फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, सितंबर में इसका एग्जाम हो सकता है। तो ये पूरा कैलेंडर यूपी ट्रिपल एससी ने अपने दे दिया है, जितने एग्जाम पेंडिंग है, जो होने वाले एग्जाम है, सारा बता दिया है। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज़ थी, यूपी ट्रिपल एससी का ये कैलेंडर था। दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लें।